नाउ ये क्वेश्चन देखिए गाइस कि इथीन मिक्स्ड विद एयर इज पास्ड अंडर प्रेशर ओवर ए सिल्वर कैटलिस्ट। ये गाइस बहुत ही अच्छी एक रिएक्शन है, इसको आप इपोक्सीडेशन बोलते हैं। होता क्या है, जब भी CH2WO CH2 हाफ O2 प्लस Ag की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो इपोक्साइड बन जाता है आपका, राइट। तो ये नेम रिएक्शन है, ये आप याद रखें। ये सिर्फ आपको मैं याद ताकि आपको याद रहे इसलिए बताया था क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, कंपाउंड ऑब्टेन बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एल्कली। ये आपको पता ही है गाइस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन मतलब ये है, हाइड्रेशन कर रहे हैं आप तो डबल बॉन्ड ओ जोड़ दें, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH2, राइट गाइस। अब इसका आपने डाइल्यूट एल्कली से ट्रीट कर दिया, डाइल्यूट एल्कली से ट्रीट कर दिया तो इसका मतलब सपोज डाइल्यूट NaOH तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी, तो HC डबल बॉन्ड ओ CH 2H इधर लिख लेता हूं और इधर C डबल बॉन्ड ओ H CH3, तो क्या होगा डाइल्यूट H2O एल्डोल कंडेंसेशन, यानी HCO सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका कंपाउंड बन गया, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। आई होप गाइस आपको आती होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।